नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी में जब कोई मुसीबत आ जाती है पहाड़ जैसी, तो हम कहते हैं कैसे लांघेंगे ये पहाड़। लेकिन सोचिए, एक ऐसी महिला जिसने दुनिया की एक दुर्गम और सबसे बड़ी ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाई हो, उस चोटी पर जाकर उन्होंने देश का झंडा फहराया हो, एक बार नहीं दो बार, और वो महिला जो कि भारतीय महिला संतोष यादव, जिन्हें हम कहते हैं हमारी आज की तेजस्विनी। संतोष यादव दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को दो बार फतह किया है, वो भी नए और मुश्किल रास्तों से। एक संभ्रांत परिवार में जिंदगी की तमाम जरूरियातों के बावजूद संतोष यादव ने बचपन से ही कुछ और कर गुजरने की ठान रखी थी, लिहाजा परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध पर्वतारोहण को ही करियर के तौर पर चुना। ये महज संतोष का प्रकृति के प्रति अपार प्रेम ही था जिसे स्कूली दिनों से पहाड़ पुकारने लगे थे। उनके इसी जज्बे ने उन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र एवरेस्ट विजेता बनाया। यही नहीं, एक साल के भीतर ही उन्होंने एवरेस्ट को दोबारा फतेह कर लिया। ये बात शायद कम लोग ही जानते होंगे कि संतोष यादव कुल मिलाकर चार बार एवरेस्ट तक पहुंच चुकी हैं, जिसमें दो बार बहैसियत लीडर के। वर्ष 2000 में संतोष यादव को उनके इस अभूतपूर्व कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध संतोष यादव हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं जानी मानी पर्वतारोही से, जिसने हिमालय पर जो जाकर पहुंची एक बार नहीं दो बार, और वैसे अगर हम उनसे अभी जानेंगे आगे तो वो बताएंगे कि चार बार पहुंची हैं वो जाकर एवरेस्ट पर, और दुनिया की वो अकेली ऐसी महिलाएं। संतोष यादव हमारे साथ हैं। संतोष जी, इतना बड़ा पहाड़ और उस पर एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार आप जाके पहुंची लीडर की हैसियत से और दूसरी हैसियत से, कैसे आपने ये सब मुमकिन कर दिखाया? औरतों को तो माना जाता है कि वो घर में रहें, थोड़ा बहुत बाहर काम कर लें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, महिला का नाम ही एक शक्ति है। हाँ। और उसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है, वो अंदर की एक ऐसी शक्ति है, उसको तो मौका मिलना चाहिए। और हमें मौका मैंने लिया, मतलब मिला नहीं था, लेना पड़ा, लेना पड़ा। ये जोर जबरदस्ती से लेना पड़ा। मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ जी, और हरियाणा के जो कि बिल्कुल ही रेवाड़ी जैसा गांव, जूनियावास मेरा गांव है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जी। और वहाँ से पढ़ाई के लिए भी बोलते थे बुरा जमाना जाता है लड़की को बाहर भेजना। मैं खुद स्वयं 11 किलोमीटर पैदल जाती थी रोजाना पढ़ाई के लिए, जब मैं 6 स्टैंडर्ड में गई तो। और मुझको रियली वहाँ पे भी जब मैं जाती थी तो मुझे एक चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी आखिरी में, तो मैं उस चढ़ाई पे जाके बैठ जाती थी और मुझे सुस्ताती थी कि मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि लगभग मुझे 4.5 किलोमीटर तय कर लेती थी, उसके बाद वो चढ़ाई आती थी। बच्ची सी थी, और लेकिन फिर भी आज मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि वो भी एवरेस्ट कई बार, हिमालय तो जैसे मुझे पुकारते हैं। ऐसा लग रहा था हिमालय पे आप ऐसे जा रही थी जैसे हम लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह सब्जी खरीदने जाया करते हैं। हाँ, और ये मैं एक बात बहुत इंटरेस्टिंग सी बताऊंगी कि मैंने एज ए स्पोर्ट्स कभी इसको नहीं लिया था। अच्छा। हिमालय की ओर मेरी राह एक जिज्ञासु के रूप में हुई थी, मैं देखना चाहती थी क्योंकि हरियाणा में कोई बर्फ और पहाड़ नहीं है, मैंने उससे पहले कभी बर्फ देखा भी नहीं था, उतनी ठंड महसूस नहीं की थी। इवन जब मैं पहली बार ट्रेनिंग में भी गई थी तो लोगों ने मुझे बहुत पतली दुबली सी है, नाजुक सी है, 16-17 वर्ष की थी, उन्होंने कहा ये वापस चली जाएगी, ये भी माउंटेनिंग करने के लिए आई है। लेकिन तो ये कैसे, मतलब पहाड़ों से ये जो प्यार हो गया आपका, ये कैसे हो गया? ये लगाव जो था, देखिए उनके कहने के बावजूद भी कि ये वापस चली जाएगी, तो मेरे मुझे असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जिस पर्पस से आई थी कि मुझे हिमालय देखना है, और हिमालय को देखने के बाद जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ वहाँ लगी वह शांत वातावरण, जो कि मेरे सबसे प्रिय है, और उसके बाद वह खूबसूरती। मैं पेंटिंग करती हूँ, 8-9 तरह की पेंटिंग जानती थी, तो वह इतना खूबसूरत दृश्य, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो मुझे एक अध्यात्म की अनुभूति हुई, तो वो एक खिंचाव ऐसा था कि मुझे किसी के भी असर नहीं हो रहा था, यदि कोई कुछ कह भी रहे थे तो, क्योंकि मेरे मन में तो कोई प्रति स्पर्धा थी ही नहीं कि मुझे किसी से आगे जाना है,
मुझे तो महसूस करना था उस हिमालय को। अच्छा तो ये बताइए कि जैसे आप कह रही हैं कि आपने तो जाहिर है हरियाणा में तो कोई पहाड़ नहीं होते, तो पहाड़ भी देखे नहीं थे, बर्फ भी देखे नहीं थे, उस समय में टीवी में इतनी पिक्चरें भी नहीं आती होंगी, बिल्कुल सही कि भाई आप इतना ज्यादा पहाड़, तो ये पहाड़ आपकी जिंदगी में कैसे आ गया? मैंने पढ़ा कि आप अरावली की पहाड़ियाँ जब आप पढ़ती थी तो आप अरावली की पहाड़ियाँ देखती थी खिड़की से, तो वहीं से कुछ शौक और ज्यादा बलवती हो गया जिसको? हाँ, मुझे एक्चुअली इनफैक्ट जब मैं 14 ईयर ओल्ड थी, जब मैं 10वीं कक्षा में थी, तो उसी वक्त मेरी शादी की चर्चा होने लगी थी। अच्छा। माँ ने कहा भी छोटी है, तो जब मैं 16 की हुई तो फिर वो जोर से पकड़ने लगी शादी। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं घर में रह जाऊंगी तो मेरी जरूर शादी हो जाएगी, और मैं ग्रेजुएट होना चाहती थी एटलीस्ट। अच्छा। कम से कम। तो ये मेरा एक मिशन था, और एक मिशन से दूसरे मिशन तक जाने के लिए मैंने इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, और मुझे काफी संघर्ष भी करना पड़ा इसके लिए। पेरेंट्स से था वो? क्या संघर्ष था? नहीं, मैं मेरे माता पिता को मैं नम भाई, पांच भाई में भाई, आप अकेली लड़की थी। जी जी, मैं उनका उनके प्यार को मैं नमन करती हूँ। मैं मांगी भी बेटी, बल्कि मेरी दादी ने मुझे मांग के लिया, और मेरे पिताजी की मैं गले का हार रही हूँ, इसलिए मैं उनको नमन करती हूँ हर वक्त, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास, आत्मबल जो हुआ, उन्हीं की वजह से हुआ। लेकिन समाज के जो इतने सारे जो बंधन थे, उन्होंने उस चीज़ को स्वीकारना शुरू किया कि नहीं, अब तुम नहीं जाओगी। और तो संभव मैं चली गई पढ़ने के लिए। किस तरह का प्रेशर था? शादी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, और वैसे मुझे प्यार और नहीं, फिर आपने मनाया कैसे? मतलब आपने तैयार कैसे किया, या आपने तीन दिन कर तक दिया? नहीं, विद्रोह मैं नहीं करती। विद्रोह मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं झगड़ा नहीं, मुझे ना आराम से अपनी बात को मनवाना, यानी कि फिर मैंने क्या किया, 3 दिन तक ना खाया ना पिया, और मेरे आंखों में बस आंसू ही झलकते रहे, और मैं मेरे पिताजी की कमजोरी, उस प्यार का मैंने फायदा उठाया इनफैक्ट। और मैं बस चुपचाप लेटी, मेरे पिताजी आते थे मुझे, 12th क्लास में थी, मेरे पिताजी मुझे गोदी में बैठा लेते थे, सोचिए, और फिर भी मैं खाली नीचे गर्दन करके, और बस मुझे जाना, एक हट लगा दी थी कि मुझे बाहर जाना है। और ये लेकिन बाहर जाने का जो अंदर से जो मिशन था वो नहीं बताया किसी को भी। अच्छा। वो मिशन ये था, अगर मैं बाहर चली गई, हॉस्टल में रहूँगी, तो मेरे रिश्तेदारों और मेरे घर वालों की नज़र बार बार मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी, जिससे कि मैं पढ़ाई कर सकूंगी वहाँ पे, क्योंकि घर में जो कोई भी आते था, अच्छा लड़की जवान हो रही, शादी लायक हो रही है, तो इस टाइप से। तो जब मैं वहाँ महारानी कॉलेज में गई, तो एक कोइंसिडेंस हुआ कि मेरा एडमिशन लेट होने के कारण हमें बहुत सारी 38 गर्ल्स को एडमिशन एनबिसेंट हॉस्टल में नहीं मिला, महारानी कॉलेज के हॉस्टल में। तो हम 38 गर्ल्स को शिफ्ट किया गया यूनिवर्सिटी हॉस्टल, और यूनिवर्सिटी हॉस्टल जयपुर के आउटस्कर्ट पर थी, वहाँ से पूरे अरावलीज दिखाई देते थे। तो वो हमेशा मेरा जो कमरा था उसकी खिड़की वहीं खुलती थी, तो मैं देखती थी कितना सुंदर दृश्य है, एंड वो खींचता था जैसे मुझे, क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क था। एक दिन मैं वहाँ गई साइकिलिंग करते हुए, ढूंढते हुए उस जगह को, देखा तो वहाँ पे लोकल लोग अपनी माइनिंग कर रहे हैं लोकल ड्रेसेस में, तो मुझे आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अट्रैक्ट किया वो, मैं उनका स्केच बनाने लगी, तो मेरा ये सिलसिला जारी हो गया, जाती रहती थी। एक दिन वो लोग नहीं आए, तो मैं इंतज़ार करती रही, जब नहीं आए तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे एक मोरेन बना हुआ था, तो मैंने क्लाइंब करना शुरू किया, और मैं बड़ा आनंदित महसूस कर रही थी जब मैं उसको क्लाइंब करके ऊपर जब मैं पहुंची, तो इतना सुंदर दृश्य था, सनराइज पॉइंट, और मुझे अचानक फील हुआ कि इतने सुंदर दृश्य को मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन डर भी लगा, अकेली लड़की जो मुझे भागना पड़ेगा। नीचे आई तो कुछ लोगों को मैंने क्लाइंबिंग करते हुए देखा, तो वहाँ पर मुझे ये महसूस हुआ कि क्या चीज है। तो मैं पूछ नहीं पाई उन लोगों से, सब लड़के थे। अच्छा। मैं नीचे आई तो मैंने एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने हिमालय की बात कही ना, क्या कैन वी गो टू हिमालयस, हम लोग हिमालय जा सकते हैं? तो हाँ, मैंने उसी वक्त एड्रेस लिया और आई अप्लाई लाइक दिस, यू नो हाउ। फिर वो वहाँ पे जब ट्रेनिंग हुई होगी, तो उस वक्त कैसा था, मतलब क्या मतलब शारीरिक रूप से इतनी स्ट्रांग थी कि जो ट्रेनिंग? हाँ, वो एक और बात से सीखा या हाँ, कुछ दिक्कतें भी आई? नहीं, दिक्कतें नहीं आई मुझे। अच्छा। ये इंटरेस्टिंग बात हुई, क्या हुआ, जो मुझे ये सारी बातें पता चली, और मैं अंडरवेट भी निकली। अच्छा। जब मेडिकल हुआ था हमारा, तो क्योंकि मेरा स्वभाव में नहीं था कॉम्पिटिशन करना, ये मुझे बाद में इसकी ताकत का एहसास हुआ। हमें नेक्स्ट डे 20 किलोमीटर जाना, और 20 किलोग्राम हमारे पीठ पे डाल दिया, और हमें एक डेस्टिनेशन बताया गया कि वहाँ जाना है। तो हमने, लड़कियाँ हबड़ दबड़ कर रही, एकदम जोश में है, हम अपना नॉर्मल,
एकदम कूल। और अभी ओरिएंटेशन हुआ नहीं था, मैं पहचानती भी नहीं थी कौन लड़कियां क्या हैं, और मार्केट के बीच में से होते हुए जाना था हम लोगों को, और मैं कब क्रॉस कर गई मुझे नहीं पता चला। जब मैं वहाँ पहुँची 20 किलोमीटर के बाद, तो दो इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे, और उन्होंने ताली बजाई और कहा कि वेरी गुड। तो मैंने सोचा मेरा मनोबल बढ़ा रहे, मैं सबसे पीछे गई हूँ, आई हूँ, ऐसा मुझे लगा। तो उन्होंने कहा बाकी की लड़कियाँ कहाँ हैं, तभी मुझे ये लगा कि अभी मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। एंड रियली जब मैं वापस आई तब मैंने देखा कि लड़कियाँ तो अब आ रही हैं, पहुँच रही हैं, तो मैं काफ़ी नीचे आ गई थी, तब मुझे पता चला। तो मैं रास्ते पर सोचती गई ऐसा क्यों हुआ, तब मुझे वहीं पर एहसास हुआ कि शायद मैं हड़बड़ाहट में नहीं थी। और वो रास्ते मैंने एक दो लोगों को देखा बैठे हुए भी, मैं बैठी नहीं रास्ते में, मैं लगातार चलती ही रही। अच्छा, तो ये चलती चली गई और हिमालय पर जाने का आपका बन गया, तो कैसे आपका सिलेक्शन हुआ वहाँ? और हाँ, वो जब पहली बार, कितनी उम्र थी आपकी तब? 20-21 साल की थी, आप कितनी बड़ी थी? हाँ, 23-24 साल की थी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात और ये हुई कि एंड ऑफ द कोर्स में मुझे फर्स्ट वो मिल गया कि यू द बेस्ट कैंडिडेट। अच्छा, तो मुझे ये आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया। देन मुझे लगता है कि हमारे माउंटेनियरिंग में न केवल आपका फिजिकल, मेंटल लेवल एंड आपका टेम्परमेंट शुड बी कूल, और उससे मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन मेरा बहुत बढ़िया रहता था। तो मेरे जो सिलेक्शन ऑफ द रूट भी होता था, हम लोगों को जो ट्रेनिंग होती थी, उस ट्रेनिंग में हमें सिलेक्शन करना पड़ता था रूट का, तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता था। मैं बड़ी फास्ट सेलेक्ट कर पाती थी। अच्छा, क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन सिचुएशन सही है तो आप मेंटली फिट हैं। बिल्कुल, यदि किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत हड़बड़ाहट नहीं कर रहे और बड़े आराम से कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी वो। तो ये सिलेक्शन जब मेरा हुआ, यूपीएससी में, यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी मैं। अच्छा, तो यहाँ जब मेरी माउंटेनिंग आई स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलर अमंग द माउंटेनियर्स ट्रेनिंग के दौरान ही, तो जब भी एक एक्सपीडिशन जाने लगा तो मेरा नाम रिकमेंड होके आया कि उनको लेके जाइए, एंड दैट टू डायरेक्टली इंटरनेशनल एक्सपीडिशन में। इट वाज नॉट एन एवरेस्ट एक्सपीडिशन नहीं था ये एक दूसरे पहाड़ पे जाना था हम लोगों को। तो वहाँ पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला कि हमारी 5 लड़कियाँ और जानी थी, विदेशी और देश की भी, वो ड्रॉप आउट हो गई। अच्छा, ड्यू टू सम अदर रीजन वीज़ा नहीं मिला था, तो उन्होंने मुझे ड्रॉप करना सोचा कि अब एक लड़की, 31 मेंबर्स है, 9 कंट्रीज़ के लोग हैं, तो उसमें ये कैसे वो रहेगी, उसकी अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मतलब बाकी सारे जेंट्स थे, पुरुष थे। तो मेरे जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि आपका नाम ड्रॉप किया जाता है, और इसके कारण तो मुझे सिर्फ पहाड़ में जाना है, मुझे अच्छा लगता था वहाँ जाना, मुझे कोई नाम उसके लिए नहीं था। पर मैंने कहा सर आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊँगी, मैं मैच्योर इनफ टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई एम द मैन, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई समस्या नहीं क्रिएट करूँगी वहाँ पे। तो मैं वहाँ गई और बहुत अच्छा रहा। नाउ तो दिस लीडर इज आफ्टर मी, वो इतना मुझे बेटी की जैसे और इतना खुश हुए कि ये तो कुछ भी है, डिसीजन भी होता तो तुमसे पूछा जाता था। तो 4 बार हिमालय पर जो जाकर पहुंची संतोष यादव हमारी आज की तेजस्विनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हिमालय पर जाने के दौरान किस तरह के अनुभव उनके रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और आजकल वो क्या कुछ करती हैं ये भी उनसे जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए तेजस्विनी। वो डॉक्टर साहब हैं भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। H1N1 फ्लू का इलाज है। बुखार के साथ खांसी और छींक या सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर के पास या हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर जाकर आप समय पर अपना इलाज करवा सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों खेलो डट के बट सड़कों से हटके। पहले खाद, फिर पानी। अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं। अब पानी डाल के क्या फायदा? अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे। अरे पापा आप ही ने तो बताया था
जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता। मेरी मुन्नी तो बड़ी समझदार है, शाबाश। ठीक इसी तरह अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम इसे दोबारा ठीक नहीं कर सकते। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना, गर्भ से लेकर जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। तेजस्विनी में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम जानी मानी पर्वतारोही संतोष यादव के साथ आज यहाँ बैठे हैं और उनके अनुभवों को सुन रहे हैं। तो संतोष जी, एक बार नहीं 4 बार आप जाके पहुंची हिमालय पर, तो ये बार बार का सिलसिला, मतलब इतना ज्यादा आपको हिमालय से प्यार हो गया कि आप बार 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 जाने लगी? नहीं, हिमालय से प्यार तो है, आज भी है, लेकिन जब दूसरी बार जब जाने लगे तो ये वुमेन एक्सपीडिशन जा रहा था। अच्छा, इंडोनेपोलिस। और एक ही साल में आपने ये कर दिखाया? विद इन वन ईयर। तो कहा कि हमारा फिर सिलेक्शन हो गया, तो हमने कहा कि हमको नहीं जाना है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आई थिंक मुझे बाद में पता भी चला कि पार्लियामेंट क्वेश्चन भी हो गया था कि नहीं, उनको भेजना ज़रूरी है क्योंकि वो टीम के लिए एक यंग है और वो डिप्टी लीडर के रूप में जाएगी, क्लाइंबिंग लीडर के रूप में जाएगी, ताकि वह एक मदद के रूप में काम आ सकेगी, उनकी अनुभव उनके लिए बेहतरीन साबित होंगे। और इसीलिए मुझे दोबारा जाना पड़ा, तो वो एक अलग अनुभव था। पहला बार जब मैं जा रही थी तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासु थी, इसके आगे क्या होगा हर वक्त मैं सोचती थी। दोबारा वो भी विद इन वन ईयर, तो मुझे पता था इसके बाद क्या है। अच्छा, अनुभव कैसा था, मतलब कब थोड़ा सा घबराई भी, थोड़ा सा लगा भी कि मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी दुर्गम चोटी मानी जाती है, क्या कुछ अनुभव हुआ था उस दौरान आपके साथ? एक्चुअली जीवन में मैं कभी घबराई नहीं किसी चीज़ से भी। क्या बात है। और बस जो मिशन सामने है उसके बारे में सोचते रहना है और उसके बारे में एनालाइज करते रहना है कि अब कैसे मुझे आगे करना है, कैसे मिशन को पूरा करना है। शायद ये बात मुझे मेरे माता पिता से मिली होगी, शायद क्या मिली है, और उन्होंने इतना मुझे प्यार दिया है। क्या कुछ संस्मरण थे जब आप गई थी, वहाँ पहुँची थी, क्या कुछ हुआ था? मैंने पढ़ा एक बार आप शायद एक मृत व्यक्ति के साथ ही आपको मालूम ही नहीं था, आपको लगा कि आप वहाँ सोती रह गई, आपको लगा रात। एक्चुअली जो साउथ कोल है उसको हाईएस्ट केवल जंकयार्ड ही नहीं कहा जाता, हाईएस्ट ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। वहाँ इतनी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, लोग बहुत हाइट पे है तो ला नहीं पाते हैं। तो जहाँ मेरा टेंट लगा हुआ था वहीं पे कोई पुरानी डेड बॉडी का सिर था। रात भर मैं सोचती रही क्या है पत्थर, रात भर मुझे परेशान कर रहा है, सुबह उठ कर मैं इसको निकालूंगी जरूर से। मैंने देखा तो उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि उस दिन हमने 2 मई की बात है, हम लोग ऊपर जब प्लानिंग कर रहे थे जाने की, रात के लगभग 1 बजे उठे और हमने देखा कि वहाँ से मौसम खराब हो गया। तो हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, हमें नीचे आना है, मौसम खराब, हम नहीं जाएंगे ऊपर। तो जब हम नीचे आने लगे तो मेरे जो और बाकी के साथी लोग, तो उन्होंने कहा हम पानी पियेंगे, हमें थोड़ा डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो मैंने कहा आप पानी पीजिए, हम चलते हैं आगे। जब हम आगे जाने लगे तो हमने एक आदमी, मेरे साथ एक और मेरे क्लाइंबर थे, उसका नाम खेमराज, तो हमने जैसे हम आगे बढ़े तो देखा एक व्यक्ति पूरा मूव कर रहा है बड़े स्टिफ तरीके से। तो मैंने कहा ये कौन होगा, जरूर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, चलो आके देखते हैं इसको। जब मैं उसके पास पहुंची तो वह भारतीय एक्सपेडिशन का ही दूसरा एक्सपेडिशन था, सिविलियन एक्सपेडिशन, ये तो रेमंड जैकब है। और वो ऑलमोस्ट मर चुका था। उसकी जस्ट जैसे मुझे देखा तो उसको लगा कि मैं मुझे बचा लेगी, और मेरे जो साथी था वो तो वहीं पर घबरा के बैठ गया। मैंने अपना रुकसैक फेंका वहाँ पर, और वहाँ पे चलना ही मुश्किल होता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, वहीं से ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं। मुझे पता नहीं कहाँ से एक स्ट्रेंथ आई, मैं दौड़ रही हूँ लिटरली, जहाँ मेरे बाकी के साथी लोग वहाँ पे पानी जो बना रहे थे स्नो से, तो
तो मैंने कहा फटाफट इस पानी को आप ऑक्सीजन में उसमें एक बॉटल में डालिए, ग्लूकोज डालिए इसमें, एक ऑक्सीजन बॉटल तैयार कीजिए और मैं जो बात कर रही हूँ उसको खाली सुनिए। मैंने डॉक्टर से सलाह ली कि मैं क्या कर सकती हूँ। डॉक्टर ने और मेरे लीडर ने साफ मना कर दिया कि आप बिल्कुल चांस नहीं लेंगे, उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आप जिंदा है, आप नीचे आइए पहले। मैंने कहा नहीं सर, हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमें प्लीज़ उसको कोशिश करने दीजिए कि हम बचा सकते हैं क्या। तो मैंने कहा मैंने इतना कुछ तैयार कर लिया, बोले इससे ज़्यादा तुम तैयार भी नहीं कर सकती हो। तो जैसे ही मैंने उसको ऑक्सीजन में रखा पहले, उसके बाद हमने जैसे ही ग्लूकोज का जो लुकवम वाटर था उसको दिया, जैसे ही पानी प्राण त्याग दी मेरे हाथ में। मेरी मात्र 23 साल की उम्र में, सोची मेरे हाथ में उस हाइट पे। घबरा जाते हैं लोग, पर पता नहीं मुझे घबराहट नहीं हुई और मैंने सैल्यूट किया उनको और उनको सही से आँख बंद बंद करके मैं नीचे की तरफ बढ़ी। देखा तो एक और व्यक्ति उसी का साथी बैठा हुआ है, मृत, हिल रहा है पूरा। फिर आगे बढ़े तो एक और था मोहन सिंह, मोहन पटेल, वो जिंदा थे और उनके हाथ वत खराब हो चुके थे। फिर हम उसको लेके आए ठीक से। तो पता नहीं भावुक बहुत हूँ, लेकिन मुश्किल मोमेंट्स है, लेकिन भावुक होने के बावजूद भी हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं जब सिचुएशन डिमांड करती है। तो बहुत सारे एवलांच भी आते हैं, हम मालूम है। और आपने तो डिफिकल्ट रूट से आप गई हैं दो बार, तो आपने ऐसा किया कि बहुत ही ऐसे डिफिकल्ट फेस, जो कि अभी तक सात ही एक्सपीडिशन वहाँ सक्सेस हो पाए हैं, नहीं सॉरी सात एक्सपीडिशन ही प्लान हुए हैं और उसमें सिर्फ तीन ही। तो क्यों गई हैं आप ऐसे मुश्किल रूट पे, क्यों चली गई हैं, आपने क्या सोचा? एक्चुअली जब तीसरी बार जब मैं जाने लगी तो मेरे मन में पर्यावरण की बातें कुछ घर कर गई थी, क्योंकि जब मैं दूसरी बार गई तो मैंने देखा कि इतनी जल्दी कितना चेंजेस आ गया ग्लेशियर में। तो मैं इस रास्ते को देखना चाह रही थी और मैंने जब पढ़ा उसमें कि इतने साल पहले गया एक्सपीडिशन, 8-7 साल, 9 साल हो गया था, तो मुझे मेरा मन था कि अब 9 साल के बाद कितना बदलाव आया हुआ होगा वहाँ पे, और नया चीज़ को खोज करने की मेरी थोड़ी सी एक आदत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नया चीज़ को। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, कितना मुश्किल था वो? इट वाज सो इतना डिफिकल्ट था कि हमारे बेस कैंप के जैसे दूसरे रूट पे तो हम बेस कैंप के बाद यदि मौसम ख़राब है तो हम फिर स्टिल एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर बेस खराब है मौसम तो हम नहीं जा सकते। और ये बिल्कुल स्टीफ क्लाइंबिंग थी, हमें टेंट भी लगाने के लिए एक जगह नहीं मिलती थी। और स्पेशली इसमें हमारी टीम बिल्कुल ही हताश हो चुकी थी, हमने रास्ता खोल दिया। अब हम लास्ट फाइनल क्लाइंबिंग पे हैं, 14 डेज तक कंटिन्यूसली बैड वेदर, रात को साफ होता था, दिन में खराब, थोड़ा बहुत साफ होता था। तो वो सारी बर्फ जमते जमते हमारे जो टेंट और हमने जो और रास्ता खोला था जहाँ कैंप बनाया था वो भी बरीड हो गया और हमें पता ही नहीं हमारा टेंट कहाँ है। तो हमने फिर दोबारा मेरी पूरी टीम की हिम्मत बनाई, लास्ट में ये कहने लगे थे हमारे टीम मेंबर कि मैडम हम चलते हैं वापस, ये मुश्किल है, नहीं होगा। और क्योंकि स्टोरी पहले सुनी भी हुई थी कि 4 एक्सपीडिशन ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, उनमें से 1 सक्सेस हुआ था, 5 जो हुए थे उनमें। मैंने कहा कि हमारे पास भोजन है, यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, अगर आप लोगों को घबराहट हो रही है तो फैमिली से बात कर सकते हैं, और हम अगर मिशन को छोड़ के चले गए रास्ते में और हम वापस जाएंगे तो जैसे हमने कैंप डाउन किया और मौसम साफ हो गया तो हमें बहुत पछतावा होगा। तो जब तक हमारे पास समय है वीजा का, जब तक हमारे पास जो हमें डिसाइडेड है कि हम इतने समय तक यहाँ रहना तक है, तब तक हम रुकेंगे और आराम से बेस कैंप में विल एंजॉय और विल डू सम अदर वर्क। तो आप इतनी हिम्मती हैं, आप में इतना हौसला भरा हुआ है कूट कूट के किसी आप घबराती नहीं है, डरती नहीं है। और आप जिस प्रदेश से आती हैं, हरियाणा से, हमें मालूम है कि वहाँ पर जो सेक्स रेशो है, जो लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम है, भ्रूण हत्याओं के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं, क्या आप कहती हैं हरियाणा की लड़कियों को कि मैं हरियाणा की लड़की, देखो 4 बार माउंट एवरेस्ट पे हुआ है, इतनी हिम्मती हूँ, क्या कहती हैं आप? ख़ासतौर पे हम देख रहे हैं कि देश में बेटी बचाओ का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, कैसे कैसे आप अपना जुड़ाव महसूस करती हैं ऐसी चीज़ों से? देखिए ये बात बहुत आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और ये आज ज़रूरत है। इसको सरकार एक मदद के रूप में आ सकती है, लेकिन किसी भी फील्ड में किसी भी बात की किसी भी समस्या की हल हर इंसान के पास है, इंसान को ही निकालना पड़ेगा। और मैं भाग्यशाली हूँ इस बात को मैं कहूँगी कि मेरी जब हमारी जो मांग है हमारी दादी ने की थी, सोचिए जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे
तो मेरी माँ भिक्षा देने के लिए भिक्षु को दे रही थी, तो भिक्षु ने कहा कि दूधो नाओ पूतो फलो। मेरी दादी पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा नहीं भाई हमने बेटी बेटा नहीं चाहिए, हमको बेटी चाहिए, पोती चाहिए मुझे। तो ये एक मुझे लगता है कि वो प्यार, वो आत्मबल, वो हौसला, जो मैं मुझे डर नहीं है। तो मैं जब घर में ही थी तभी मुझे प्यार मिलने लग गया। तो वह निडर बनाता है आपको, और प्यार को मैंने अच्छे से समझा, प्यार को कभी मैंने कमजोरी नहीं कहा, ये ताकत है। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आजकल आप क्या करती हैं, क्या अभी भी आपका पहाड़ों पर से दोस्ती का, रिश्तेदारी का नाता अभी चलता है? हाँ हाँ, वो उसको भी मैंने, लोगों ने जब कहा मुझे, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है मनाली में, और उसमें भी मेरा जो जिस सोच विचार से मैं गई थी, उसी सोच विचार से मैंने लोगों को वहाँ ले जाने की प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि हमने स्कूल के बच्चों को, कॉर्पोरेट्स को भी एक प्रकृति से जोड़ने की बात, और जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हमारी संस्कृति वहीं से आई है, तो यदि हम प्रकृति से दूर जाएंगे तो हम संस्कृति का ख्याल नहीं रखेंगे और समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। और उसी के लिए संस्कृति और प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए ये मेरा सपना है, बाकी का ईश्वर तो जो मर्जी वो होगा, कि हेल्थ केयर सेंटर की मैं इनफैक्ट मैं प्लान कर रही हूँ, जो कि लोग मेडिसिन टू मेडिटेशन। तो लेकिन संतोष जी ये बताइए कि अभी भी क्या आपको लगता है कि मैं जाती रहती हैं आप कहीं इधर उधर, कहीं चोटियों पर अभी भी नहीं, चोटी सफर चलता नहीं, है कहीं? वो या रोक सबसे, दिया आपने? नहीं, सबसे बड़े अभी अभियान जो है मेरे बच्चे हैं मैं माँ हूँ हाँ। और मेरे एक पुत्र और एक पुत्री है, तो दोनों को संभालना एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब एक एक्सपीडिशन जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन, उससे भी बड़ा काम है, उससे बड़ा काम है। जैसे कि आपने भी एनवायरनमेंट की चर्चा की, और खासतौर से हम जानते हैं कि जैसे आपने खुद कहा कि हिमालय में जो दृश्य आपने पहले बार देखे थे वो बाद में नजर नहीं आए, वो चीज़ें बदल गई हैं। एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है, आप उसको कैसे एड्रेस करती हैं, खासतौर से एक पर्वतारोही होने के नाते जिसने देखी है वहाँ की खूबसूरती, वो प्राकृतिक जो खुशबू है वो महसूस की है। उसी नाते मैं जब वहाँ पे थी तो मेरे टेंट में न सो करके मैं बाहर किताब पढ़ने के लिए, जब मेरा जब काम पूरा हो जाता था क्लाइंबिंग का, तो मैं बाहर आनंद लेने के लिए जाती थी, तो मैं देखती हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। एक दिन याक को आते हुए देखा, तो मैंने कहा कि ये वापस खा ली जाएंगे, तो क्यों ना ये पूरा 500 kg गार्बेज मैं वहाँ से वापस लाई थी। आपको पता है मुझे हिमालय ही नहीं, मैं हर जगह जहाँ रहती हूँ मुझे बहुत साफ़ सुथरा पसंद है, और ये एक स्टेट ऑफ माइंड हर इंसान का होना चाहिए। जहाँ साफ सुथरा है वहाँ खूबसूरती है, और वहीं पर सब कुछ है, स्वास्थ्य भी वहीं पर है। और इसीलिए ये हमारा मिशन है कि हम कैसे न केवल भारतवर्ष को, बल्कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि हमारी प्राकृतिक रूप से गंदगी ही नहीं, हमारे मानसिक रूप में भी काफ़ी चीज़ें चलते चलते अब आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूँगी, जो कि बहुत क्लीशेड सवाल है लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल है, और वो ये कि जो तमाम हमारी लड़कियाँ महिलाएं देखती हैं आपके जैसे हौसले मजबूत औरत को, बहुत कुछ सीखना चाहती हैं, जो यंग माउंटेनियर्स हैं, जो पर्वतारोही बनना चाहती हैं, उस खूबसूरती का हिस्सा बन के उसे देखना चाहती हैं, अनुभव करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न केवल पर्वतारोही बल्कि जीवन में कुछ भी हम काम करें, किसी भी फील्ड में जाएं, तो प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं होना चाहिए, एक सहयोग और ज्ञान का भाव के साथ आगे बढ़े। आज सबसे बड़ी बीमारी प्रतिस्पर्धा का भाव से हो रही है, और मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, अपनी सब क्षमता पे विश्वास होना चाहिए, अपने पर विश्वास। और एक लाइन में अगर हम पूछें कि पहाड़ हमें क्या सिखाते हैं, हिमालय हमें क्या सिखाता है, तो आप क्या कहेंगी? धैर्य। धैर्य जी, डटा रहना सिखाते हैं जी, और अपनी बात से कभी भी मुकरना नहीं सिखाते जी, मुझे लगता है कि अटल खड़े रहते हैं। बिल्कुल, और आपकी जैसी जो शख्सियत है जो कि अटल और धैर्य जिसकी बात आप कर रही हैं, हम सबके लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष यादव जी, आप यहाँ पर आई और आपने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया, और वाकई हमें बहुत प्रेरणा मिली है आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपका धन्यवाद। तो ये थी हमारी तेजस्विनी संतोष यादव, जिनके आगे हिमालय एवरेस्ट की चोटी भी कुछ नहीं है। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।